हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार हम बात करेंगे बांसुरी पर कोमल रे और कोमल ध कैसे बजाते हैं और इसको बजाने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। जब लोग नया सीखते हैं तो बांसुरी पे कोमल रे और कोमल ध बजाना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके ये भी देखना चाहिए कि कोमल रे हम सा के बाद बजा रहे हैं या कोमल ग के बाद बजा रहे हैं या ग के बाद बजा रहे हैं, म के बाद या तीव्र म के बाद बजा रहे हैं, तो उस हिसाब से कोमल रे बजाने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे उसको रिजोल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें इस ट्यूटोरियल में हम करेंगे। तो अभी जो मैंने आलाप बजाया था वो था राग भटियार का। तो भटियार में जो कोमल ग है वो कोमल रे है, वो ग के बाद बजता है प ग रे सा ग प ग रे सा सा ध प ध म प ग प ग रे वैसे नॉर्मली आपको पता ही होगा कि कोमल रे कहाँ पर और कैसे बजता है, कोमल ध कहाँ पर और कैसे बजता है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। तो ये जो सा है और ये रे है, सा और रे, तो इस रे वाली फिंगर को बहुत कम खोलना है। सा रे, ये कोमल रे हो गया। सा रे 10 से 15% खोलिए, बस उससे ज्यादा नहीं खोलना है। उसी तरह से ये ध प है और ये ध है, तो प और ध के बीच में यहां से इतना सा खोलना है, प ध प ध, ये भी 15% खोलना है, इससे ज्यादा नहीं खोलना है। और कोमल रे और कोमल ध कब आंदोलन वाले बजाने हैं, कब स्टेडी बजाने हैं, कब कौन से कोमल स्वर पे आते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, और राग के हिसाब से भी लेता है। किसी राग में कुछ तीव्र टाइप का कोमल रे बजता है, किसी राग में बहुत कोमल रे बजता है, तो वो भी हम बात करेंगे आगे। तो अभी जो मैंने बजाया था वो भटियार राग था। अभी बात करते हैं राग भैरव की। भैरव में बजते हैं रे और ध, दोनों कोमल ही बजते हैं, तो थोड़ा सा उसका आलाप देख लेते हैं। Thank you.
तो ये जो रे और ध भैरव राग की जब हम बात करते हैं तो उसमें आंदोलित रे और आंदोलित ध कोमल लगते हैं। तो हम जानते हैं कि ये सा और ये रे है, लेकिन आंदोलित कोमल रे कैसे बजाना है, क्योंकि ये फिंगर को ऐसे ऐसे कर देंगे तो सारे 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 लगेगा, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए, सारे तो ये ग वाली फिंगर उठानी नहीं है, लेकिन उसी जगह पे थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट करनी है, तो आंदोलित रे बजेगा। ये ग वाली फिंगर को थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पर, तो ये वाइब्रेटेड आंदोलित रे बजेगा। देखिए, उसी तरह ध को आंदोलित बजाते हो, ये ध है तो ये नी वाली फिंगर को उठाना नहीं है, लेकिन ध वाली फिंगर को उसी जगह पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करना है, तो ये आंदोलित ध बजेगा। देखते हैं इसका एग्जांपल। तो जब भी कोमल रे और कोमल ध की बात आती है और जब भैरव राग की बात करते हैं तो उसमें आंदोलित रे और आंदोलित ध कोमल लगते हैं। तो ये आंदोलित रे और ध बजाने की ये विधि है, खास ध्यान में रखिए। लेकिन भैरव में ही जब अगर हम तान लेते हैं तो यहाँ पे आंदोलन की आवश्यकता नहीं रहती है, तो सारी ध प म ग रे सा इस तरह से ले सकते हैं। तो इस तरह से जब जल्दी में लेना चाहे, तान में लेना चाहे, पलटा में लेना चाहे तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन जब भैरव में आलाप करें तो अवश्य ख्याल में रखिए कि आंदोलित रे और आंदोलित ध ही बजाना है, और इसकी विधि मैंने आपको अभी बताई है। अभी देखते हैं अहिर भैरव की बात करें तो उसमें जब रे आता है तो या तो सा के बाद या तो कोमल नी के बाद भी कभी कभी नी रे सा, तो ये कैसे लेते हैं देखें। डायरेक्ट कोमल रे ले, नी रे सा। अभी बात करते हैं मारवा राग की। तो मारवा राग में ज़्यादातर नी रे लेते हैं, मारवा में या तो पूरिया कल्याण में, पूरिया धनाश्री में, पूरिया में नी, शुद्ध नी के बाद कोमल रे लेते हैं ज़्यादातर, सा के बाद रे नहीं लेते हैं लेकिन नी के बाद लेते हैं। देखिए,
का रे बहुत कम होता है और मारवा का रे बहुत खड़ा लगता है, उसमें ज्यादा मींड नहीं लगती है। यहाँ पे खड़ा स्वर लगता है, मारवा राग की ये स्पेशलिटी है कि उसमें खड़े स्वर लगते हैं, मींड का बहुत कम प्रयोग होता है। तो जब मारवा बजाएं तो इस तरह से कोमल रे बजाना है, ग रे सा, उसमें ग रे ऐसे नहीं लेते हैं। मारवा का कोमल रे ऐसे लगता है, पुरिया का, पुरिया धनाश्री का ऑलमोस्ट सेम जैसे ही हैं। अब सोहिणी की बात करें तो उसमें आरोह में कोमल रे वर्जित ले लेते हैं और ग के बाद सीधा मद नी सा रे सा, सोहिणी में ऊपर का कोमल रे लगता है। देखिए कैसे लगता है, एग्जांपल। इस तरह से सोहिणी में ज्यादातर ऊपर का रे का ज्यादा प्रयोग है, नीचे का रे आरोह में तो वर्जित ही है, अवरोह में लेते हैं। अब करते हैं राग तोड़ी की। तो तोड़ी राग में कोमल रे और कोमल ग दोनों आसपास में है और दोनों लगते हैं। वैसे रे ग ध तीनों कोमल है और म भी तीव्र है, चार स्वर इसमें विकृत लगते हैं, रे ग ध और म भी तीव्र है। तो इसमें कैसे कोमल रे का प्रयोग होता है और कोमल ग के बाद कोमल रे बजाना हो तो कैसे बजाते हैं, देखिए। स सा रे ग रे देखिए यहाँ कोमल रे और कोमल ग का आसपास में प्रयोग कैसे होता है। तो ये है सा, ये कोमल रे और ये कोमल ग, सा रे ग रे सा रे ग रे सा ग रे ग रे सा। तो कोमल ग और कोमल रे आसपास में आते हैं और दोनों का प्रयोग होता है, तो इस राग में कोमल रे बजाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। गुर्जरी तोड़ी में भी इसी तरह से है, जिसमें प वर्जित है, बाकी तोड़ी जैसा ही है। अभी बात करते हैं भैरवी की। तो भैरवी में भी रे और ग दोनों कोमल आते हैं, यहाँ म शुद्ध है लेकिन बाद में आगे ध और नी दोनों कोमल है। तो इसका आरोह अवरोह कैसे बजाते हैं, बहुत सावधानी से बजाना चाहिए, देखिए कैसे। भैरवी में रे और ग पास पास में है, ध और नी भी पास पास में है और चारों स्वर कोमल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे बजाते हैं, सा रे ग रे सा।
सारे ग म प द प नि द प म ग सा रे सा द नि सा रे सा। तो भैरवी में ध और नी भी देखिए, ये प ये ध कोमल और ये नी कोमल। जब नी कोमल बजा है बजाते हैं तो ये ध कोमल पे फिंगर रख सकते हैं, तो रखने से ये धनी इजीली बजेगा। पद नी द प पद नी सा नी द प द म प म ग सा रे सा। बिलासखानी तोड़ी में भी मोर और लेस भैरवी जैसा ही होता है, लेकिन जब हम मालकौंस बजाते हैं, भैरवी थाट का राग है, लेकिन इसमें बहुत ध्यान देने जैसी बात है। इसमें रे तो कोमल है ही नहीं, लेकिन कोमल ग और कोमल ध है, तो मालकौंस का कोमल ध कैसे बजाते हैं देखिए। मालकौंस में भी कोमल ध और कोमल नी दोनों लगते हैं, तो कोमल ध के बाद तुरंत कोमल नी बजाना है, तो बहुत ध्यान रखते हुए म ध नी सा सा नी ध म ग सा सा ग सा। म के कर्ण स्वर को लेते हुए ग बजाएं, सा ग सा ग ग ग। म को जरा खोल के बंद करना है, सा ग म ध ध। कोमल नी के कर्ण से कोमल ध बजाना है। Woo!
सा म ग म ग म ध नी सा। तो इसमें कोमल नी के कण से कोमल ध बजाना है। सा ग म ध नी सा। तो इस तरह से सा ग म ध नी सा सा नी द म ग म ग सा। तो मालकों उसका कोमल ध बजाना बहुत सावचेती से बजाना है, क्योंकि कोमल ध के बाद कोमल नी तुरंत आता है और पंचम तो वर्जित है, तो प के बाद कोमल ध इजी रहता है। ये प और ये ध, प ध, लेकिन मालकों उसमें प पंचम है ही नहीं, तो बिना प के डायरेक्ट ध बजाना है। सा म ग म ध, म के बाद कोमल डायरेक्ट ध। सा ग म ध नी सा सा नी द म ग म ग सा। तो इस तरह से मालकों उसमें बजाना है। तो ये कोमल रे और कोमल ध, देखिए काफी लोग इसको 50% खोलते हैं, ये सा ये रे, तो 50% खोल देते हैं, 50%। ये गलत है, 50% नहीं खोलना है, आधा नहीं खोलना है, बहुत कम 15% ही खोलना है। देखिए सा रे, ये बहुत कम खोलना है। इसी तरह ध में प, ये द प द, अगर प नहीं है तो म के बाद डायरेक्ट ध बजाना है, कोमल ध, तो बहुत ध्यान रखते हुए बजाना है। तो कोमल रे और कोमल ध बजाने में ये बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप ये कोमल रे और कोमल ध की प्रैक्टिस भी करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोमल रे और कोमल ध से बांसुरी में बहुत स्वीटनेस आ जाती है, और काफ़ी सारे रागों में कोमल रे का, कोमल ध का, कुछ रागों में दोनों का प्रयोग होता है। जब आप प्रैक्टिस करें तो रे और ध को कोमल लेके आरोह की फास्ट लय में भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए एक बार रे ध कोमल लेते हुए। अब लय बढ़ा दीजिए। अभी और लय बढ़ा दीजिए। और थोड़ी लय बढ़ा के ट्राई कीजिए। इस तरह से प्रैक्टिस करने से रे और द बहुत क्लियर हो जाएंगे आपके, और आपके बजाने में बहुत स्वीटनेस भी आने लगेगी। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं हूँ चंद्रकांत कोटेचा, आपका दोस्त। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और बहुत सारे और भी देने की कोशिश करता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आते होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं भी पसंद आती है तो भी हमें बताइएगा, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।